दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टोटल जीआई कैसे चेक किए जाते हैं, यानी कि काउंटिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल दो केस बनते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यानी कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर कैसे जीआई चेक किए जाते हैं, आज आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। सेकंड हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके लिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बना दिया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल। तो इसके लिए आपको इसको बीच में से कट करना होगा। मैंने इसको कट भी कर दिया। अब आप बताइए, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्या दोनों साइड ग्रुप यहाँ पे आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है? तो आप देखो यहाँ पे दोनों साइड, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। इधर एक दो और तीन कार्बन है, और इधर एक दो तीन और चार कार्बन है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं। इस कंडीशन में हम इसको नाम दे देंगे क्या, अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ से एक कार्बन गायब कर दिया, अब बताओ यहाँ पे सिमेट्रिकल होगा या अनसिमेट्रिकल? अब यहाँ पे सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी तीन कार्बन है और इधर भी आपके तीन कार्बन आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल इस तरीके से चेक करना है, यानी कि बीच में से कट करके देखना होता है। अभी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको समझ आएगा। ये मैंने सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल लिया था। इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, हमारे ये दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूलों को देख लेते हैं। ये फॉर्मूले कहाँ से आए आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन कर पाएंगे स्पीड के साथ, वो कंसेप्ट यहाँ पे यही है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको एग्जामिनर पेपर के अंदर दे दे, उस कंडीशन में आपको सबसे पहले ये देखना कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो आप देख लोगे ये अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, आपको मैंने चेक करना सिखा दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल आ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n। अब n क्या होता है, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ लोकेशन विच इज शोविंग जीआई, यानी कि जो जो लोकेशन यहाँ पे जीआई शो कर रही है, कितनी लोकेशन जीआई शो कर रही है, वो यहाँ पे n है। ऐसे ही यहाँ पे जो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है टोटल जीआई चेक करने का, वो होता है यहाँ पे 2 की पावर n-1 +2 की पावर p। अब यहाँ पे अलग से क्या आ गया, यहाँ पे p आ गया। तो p क्या होता है, यहाँ पे n-1/2 और n/2-1। अब ये दोनों अलग अलग क्यों है, देखो जो n-1/2 है ये यहाँ पे फॉर्मूला है ओड के लिए। अगर यहाँ पे टोटल लोकेशन ऐसी आ जाए, टोटल नंबर ऑफ लोकेशन जो कि यहाँ पे ओड हो, उस कंडीशन में आपको p के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ लोकेशन जो जीआई शो कर रही है वो यहाँ पे इवन हो, तो उसके लिए आपको n/2-1 यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पी की जगह आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ये किसके लिए, इवन के लिए। सबसे ज्यादा गलती आपसे यही होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप इनको भूल जाते हो। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। इन फॉर्मूलों को आप छाप सकते हो, बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। बाकी अब आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी हेल्प से आपको ये याद हो जाएगा, ये भी आपको रटना नहीं है। चलिए हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है। अब सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ये एकदम आपको मन की आंखों से देखो, आपको दिखाई देगा, बाहर से देखो जिसमें ही दिखाई दे रहा है। इधर देखो, इधर ब्रोमीन आ रहा है, इधर CH3 आ रहा है। आप इसको कैसे भी कट कर लो, बीच में से कट करो चाहे कैसे भी कट करो, ये आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते दोनों तरफ के ग्रुप, यानी कि ये अनसिमेट्रिकल होगा। आप इसको यहाँ से कट कर लीजिए, दोनों ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट और राइट के, यानी कि दोनों एंड यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप एंड देखा करो, दोनों एंड यहाँ पे डिफरेंट है, उस कंडीशन में ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसके लिए बताओ टोटल जीआई कितने होंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर 2 आप यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, एक ये वाला भी कर रहा है, एक ये वाला भी कर रहा है। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको एक बार मैं रिविजन करवा देता हूँ कि कौन कौन जीआई शो करता है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 तीनों ही लेक्चर नहीं देखे। उसके अंदर मैंने टोटल जीआई आपको पूरा एकदम कंप्लीट जीआई डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे सभी को फायदा हो सके, सबको समझ आ जाए, क्योंकि आज का लेक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारे टोटल 5 केस थे जीआई शो करने के लिए। सबसे पहला केस था वो था कि यहाँ पे रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए था, और वो था ओपन चेन के अंदर। तो हमारा रोटेशन एब्सेंट कब होगा, जब यहाँ पे एल्कीन आ रहा होगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन में रोटेशन एब्सेंट होगा। और ए और बी सी और डी यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। आइडेंटिकल कब कब नहीं होंगे, मैंने यहाँ पे सपोज सलमान जोड़ दिया, सलमान खान को, यहाँ पे मैंने कैटरीना को जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हमारा विराट कोहली,
और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया हमारा अनुष्का को जोड़ दी। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे रोटेशन भी एबसेंट होगा और यहाँ पे ए और बी आइडेंटिकल नहीं है, सी और डी भी आइडेंटिकल नहीं है। इस कंडीशन में आपका यहाँ पे जी आई शो करेगा, ये ओपन चेन एल्किन वाला आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। फिर सेकंड केस था हमारा, सेकंड केस था एलिन्स और डाइन के अंदर। एलिन्स और डाइन के अंदर भी वहां पे तीन केस बनते थे। जो आपका पहला था वो था आपका क्यूमुलेटिव एल्किन वाला। तो क्यूमुलेटिव एल्किन आपकी कौन सी होगी, यानी कि लगातार लगातार डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इस कंडीशन में कब कब जीआई शो करेगा, मैंने आपको बताया था अगर टोटल पाई बॉन्ड, अगर टोटल पाई बॉन्ड ओड होंगे, जैसे कि 3, 5, 7, 9 अगर ओड होंगे उस कंडीशन में यहाँ पे जीआई शो करेगा। लेकिन इसमें कितने जीआई शो करेंगे, कितने पाई बॉन्ड, ओनली एक पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा। चाहे इसे 5 पाई बॉन्ड आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 9 आ जाए, चाहे 11 आ जाए, 15, 13, यानी कि ओड कंडीशन होनी चाहिए, टोटल पाई बॉन्ड ओड होने चाहिए उस कंडीशन में यहाँ पे जीआई शो करेगा, लेकिन एक पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा। अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि यहाँ पे इवन पाई बॉन्ड आ रहे हैं, टोटल पाई बॉन्ड यहाँ पे इवन आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जीआई शो नहीं करेगा। 2, 4, 6, 8 ये सब आ जाए जीआई शो नहीं करेगा। ये आपकी फर्स्ट यहाँ पे एलिस और डाइन के अंदर जो फर्स्ट केस कंप्लीट होता है, सेकंड केस बनता था आपका वो बनता था यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्किन वाला, सी डबल बॉन्ड सी 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 डबल बॉन्ड सी, यानी कि पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे जीआई शो करेगी। थर्ड केस बनता था आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा। दो केस होते कंप्लीट। थर्ड केस बनता था आपका साइक्लिक रिंग वाला। तो साइक्लिक रिंग में जब तक मिनिमम 7 कार्बन की रिंग ना आ जाए, जब तक मिनिमम 7 कार्बन की रिंग ना आ जाए तब तक वो जीआई शो नहीं करेगी। अगर 7 कार्बन से ज्यादा की रिंग आ जाएगी तो वो वहां पे क्या करेगी, जीआई शो करेगी। आपको ये ध्यान रखना था। फिर हमारा जो फोर्थ केस था, फोर्थ नंबर का केस, वो था सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन वाला। अगर कोई भी दो sp3 कार्बन पर, डिफरेंट डिफरेंट दो sp3 कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो वो जीआई शो करेगा। सपोज यहाँ भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ये जीआई शो करेगा। लेकिन यहीं पे CH3 आ जाए, यहाँ पे ये CH3 नहीं आ रहा, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। मैंने बोला दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट sp3 कार्बन पर वहाँ पे अलग अलग सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए। चाहे से यहाँ पे आ गया तो जीआई शो नहीं करेगा। यहाँ से एक रिमूव करो, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, जीआई शो करेगा। मिनिमम दो सब्सटीट्यूएंट होने चाहिए sp3 कार्बन पर, अलग अलग sp3 कार्बन। यहाँ पे तीन केस आपके होते कंप्लीट, सॉरी 4 केस। पांचवा केस था वो था आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, जो कि एमाइड वाला केस था। प्लीज आप उसको जाके अलग से देखिए, शायद लेक्चर नंबर 3 में बताया था, या उसको मैं शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा। तो ये तो मैंने आपका रिविजन करवा दिया, आपका रिविजन हो गया होगा। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में आपको यही पढ़ाया था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे क्या था आपका अनसिमेट्रिकल था, 2 की पावर 2। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 4 GI बनेंगे। 4 GI कैसे बने आपको थोड़ी देर बाद डिटेल में बता दूंगा, इससे पहले एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो। बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले एंड देखो, यहाँ पे एंड सेम आ रहे हैं, तो फिर जिसके बाद में आप बीच में से कट करो। अब देखो यहाँ पे क्या, ये आइडेंटिकल है दोनों ग्रुप, 1, 2, 3 तीन कार्बन है, 1, 2, 3 तीन कार्बन है, यानी कि सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल के लिए हमारा फॉर्मूला होता था 2 की पावर n-1 + 2 की पावर p। 2 की पावर यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 1 2, दोनों को दोनों यहाँ पे जीआई शो कर रहे हैं। आप देख लो कैसे जीआई शो करेगा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। देखो इसके लिए एक ग्रुप तो ये अलग से हो जाएगा और एक ही हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि ए और बी आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरीके से आप इसके लिए देखो, एक तो ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, यानी कि एक तो देखो इसके लिए सी अलग ही जा रहा है, ये सी ग्रुप हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन, ये डी ग्रुप हो जाएगा। आप इसी तरीके से इस कार्बन के लिए भी देख सकते हो, सॉरी इस वाले के लिए एक ग्रुप ये वाला और एक हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पे जीआई चेक किया जाता है, यानी कि कौन सा पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 की पावर 2 -1 + 2 की पावर ओड है ये इवन, 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि इवन वाला केस कौन सा, n/2 -1, तो 2 की पावर p आ जाएगा। तो n/2 -1 क्या होगा, 2/2 -1 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। 0/2 करेंगे तो क्या आएगा, 0। 2 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखना गलती हो सकती है, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो आपके यहाँ पे टोटल कितने जीआई हो जाएंगे, 3 GI हो जाएंगे। इस तरीके से GI चेक किए जाते हैं। अब आपको मैं देखिए इनको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, हमेशा इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से आपको क्वेश्चन को करना है, लेकिन मुझे जरूरी है कंसेप्ट बताना, यानी कि एक बार डिटेल में कंसेप्ट बताना जरूरी है। ऊपर ऊपर से जो क्रिम थी वो मैंने आपको निकाल के दे दी। अब हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि इसके यहाँ पे 2 GI कैसे बने, सॉरी इसके 4 बने थे, 2 नहीं। तो देखो इसके लिए आप इसको क्या करो, इसको ढंग से इसको ओपन करो और इसका स्ट्रक्चर आप ढंग से बनाओ। तो देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक ये पाई बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान रखना है, आपको बनाना नहीं है एग्जाम के अंदर, वैसे बस मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका CH3 था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन था। इसके चार जीआई कैसे हुए आप ये समझिए। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसके चार जीआई कौन कौन से बनेंगे। एक तो यहाँ पे जो फर्स्ट केस बनेगा, एक इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। देखो यहाँ पे चार कंडीशन बनेगी, ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए दो दो कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी, एक बार ए वाला ई हो सकता है, एक बार ए वाला जेड हो सकता है। फिर से इसी तरीके से बी वाला एक बार यहाँ पे जेड हो सकता है, बी वाला एक बार ई हो सकता है। इस तरीके से चार कंडीशन बनेगी। इसमें भी आप देख लो, एक बार ई ई बन जाएगा, एक बार जेड जेड बन जाएगा, एक बार ई जेड बन जाएगा, एक बार जेड ई बन जाएगा। इस तरीके से चार जीआई बनते हैं। अब ये ई जेड ये सब चेक करना लेक्चर नंबर 4 के अंदर सिखाया था, प्लीज आप वहां पे जाके देखो। एक बार मैं इसको ई बना दूंगा फिर जेड बना दूंगा, इसी तरीके से एक बार इसको ई बना दूंगा फिर जेड बना दूंगा। इस तरीके से टोटल यहाँ पे चार केस बनेंगे, तो यहाँ पे टोटल चार जीआई हो जाते हैं। लेकिन आप बोलोगे भाई इसके अंदर भी तो ऐसे कर सकता हूँ मैं ई ई ई जेड 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 ई। आप देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा था, ये अनसिमेट्रिकल था। तो अनसिमेट्रिकल में यहाँ पे आप इसको ऐसे कट करो, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया, तो आप इसको पलटो। जब आप पलटोगे इसको तो यहाँ पे एटम की लोकेशन एकदम चेंज हो रही है। लेकिन आप इसको पलटिए, आप देखो इसको मैंने जैसे कि यहाँ से बीच में काटा, आप जैसे तवे पे रोटी पलटते हो वैसे इसको पलटो, ऐसे पलटो, यहाँ से काटने के बाद में पलटो इसको उलटो। तो देखो ये पाई, ये जो एटम है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एटम यहाँ पे आ जाएगा। तो इनकी लोकेशन एक तरीके से सेम आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई देगा ये। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, एक तो यहाँ पे बन जाएगा ई और एक बन जाएगा आपका जेड जेड, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एक बन जाएगा ई जेड, एक बन जाएगा ई, एक बन जाएगा जेड जेड। यानी कि यहाँ पे टोटल दो नहीं तीन केस बनेंगे। ये वाला केस नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों एक तरीके से आइडेंटिकल हो जाएंगे। ई जेड या जेड ई दोनों आइडेंटिकल हो रहे हैं, आप इनको पलट के देख लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जीआई चेक किए जाते हैं, टोटल जीआई। अब मैं आपको कई सारे क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। ओके गाइज, तो अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि यहाँ पे इनके टोटल जीआई कितने बनेंगे। प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए, जिसके बाद में आंसर मैच करना। इससे आप ही को फायदा होने वाला है, मेरा कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं तो अब यहाँ पे आपको सीधा समझाना शुरू करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपको देखना है अनसिमेट्रिकल होगा या सिमेट्रिकल होगा। तो आपको दिख जाना चाहिए ये बिल्कुल एकदम अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को देखिए, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल होगा। तो फिर आपको देखना है कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा और एक ये पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा। कैसे करेगा, देखो ये कार्बन है, इसके लिए ये वाला ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग, ए और बी आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरीके से ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक ये ग्रुप आ जाएगा, यानी कि सी और डी भी आइडेंटिकल नहीं है। तो आप इसी तरीके से इसके लिए अप्लाई कर लो, यहाँ पे भी ए बी और सी डी आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं। ये क्या था आपका अनसिमेट्रिकल। तो 2 की पावर n फॉर्मूला होता था, और 2 की पावर 2 कर दीजिए तो यहाँ पे कितने जीआई बन जाएंगे, इसके 4 जीआई बन जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अभी एग्जाम के अंदर देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। उस कंडीशन में हमको ऑप्टिकल आइसोमर भी चेक करना होगा। अभी तक मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाई नहीं है, तो ऑप्टिकल पढ़ाऊंगा, तब ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें जीआई और ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि ओआई दोनों के क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो तब आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए अभी से अच्छे से समझो तो आपको आगे जाके फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे इसके लिए टोटल जीआई कितने हो जाएंगे, 4 जीआई हो जाएंगे, इसके 4 जीआई बनेंगे। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बताओ अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। तो आपको दिख जाना चाहिए ढंग से, देखो अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यहाँ से कट कीजिए, मैंने कट कर दिया। 1 2 3 तीन कार्बन आ रहे हैं इधर, 1 2 और 3 यहाँ पे भी तीन कार्बन आ रहे हैं। तो भाई ये तो क्या होगा, ये तो हमारा सिमेट्रिकल होगा। नहीं, देखो यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, आपको दिख जाना चाहिए। इस कंडीशन में ये भी अनसिमेट्रिकल होगा, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं। तो 2 की पावर 2 ये भी आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले लेफ्ट राइट एंड देखा करो, लेफ्ट पे भी फिनाइल और राइट पे भी फिनाइल, यानी कि हो सकता है सिमेट्रिकल हो। तो अंदर से जाके देख लो, यहाँ से इसको कट करो, कट करेंगे तो 1 2 3 4 चार कार्बन का ग्रुप इधर, 1 2 3 और 4 चार कार्बन का ग्रुप इधर है, यानी कि आपका सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा। तो सिमेट्रिकल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p। अब p के लिए यहां पे देखिए ओडी इवन वाला कांसेप्ट अप्लाई करना है। तो कितने पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, चार पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, यानी कि इवन है। और इवन के लिए फॉर्मूला क्या होता था, n/2-1। तो क्या कर देंगे, 4/2-1, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये 2 एकम 2 और 4 में से 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 और 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 4-1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर p यानी कि 2 की पावर 1 करो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 8, और ये 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि यहाँ पे कितने जीआई बनेंगे टोटल, यहाँ पे टोटल 10 जीआई बनेंगे।
तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अभी भी हो सकता है कई बच्चों को डाउट आ रहा हो कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कैसे जीआई शो कर रहा है, कई बार सिखाया लेकिन फिर से बता देता हूँ, देखो ये कार्बन है ये कार्बन है, इसके लिए एक बार हाइड्रोजन आएगा एक बार पीएच आएगा, यानी कि ए और बी आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरीके से एक बार हाइड्रोजन एक बार ये पूरा ग्रुप, यानी कि ये भी यहाँ पे सी और डी ये आइडेंटिकल नहीं है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके लिए अलग से देखना है, इसके लिए अलग से देखना है, इसके लिए अलग से देखना है। पांच क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ओके गाइज, तो अब आप देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, टिपिकल नहीं है, बस अच्छे क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट आपको समझ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले आपको अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल चेक करना होता है। लेफ्ट और राइट एंड देखो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है, हो सकता है सिमेट्रिकल हो। चलिए अंदर जाके चेक करते हैं, तो 20 से कट करो, 20 से कट कर दिया, तो बताओ यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4, चार कार्बन इधर आ रहे, 3 कार्बन इधर आ रहे, यानी कि दोनों तरफ क्या है आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग ग्रुप है। इस कंडीशन में सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, यानी कि 2 की पावर n फॉर्मूला लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आपको चेक करना है n, n क्या था, कितने पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहे हैं, वो लोकेशन जो कि जीआई शो कर रही है। तो बताओ क्या ये पाई बॉन्ड जीआई शो करेगा, नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी थोड़ी देर पहले अभी भी बताया था, अगर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से अगर ये इवन आ रहे हैं तो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। अगर यही अगर एक और पाई बॉन्ड होता इस कंडीशन में, एक जीआई यहां पे एक पाई बॉन्ड एक लोकेशन जीआई शो कर देती, तो ये दोनों पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करेंगे क्योंकि लगातार आ रहे हैं, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जीआई शो करेगा। 2 की पावर n, 2 की पावर 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसके लिए टोटल जीआई कितने होंगे, 2 होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, कंसेप्ट अभी यहाँ से निकलेगा जो आपको समझ आएगा। फिर देखते क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही आपको टोटल जीआई बताने हैं। लेफ्ट और राइट एंड देखो, इधर CH2 है इधर CH3 है, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 की पावर n, कंफर्म हो गया। अब देखते हैं n कितना होगा यहाँ पे, तो देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा बहुतों को जीआई शो कर रहा है, नहीं भाई जीआई शो नहीं कर रहा ढंग से, देखो इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, यानी कि सेम ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। फिर बताओ इधर इधर 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस क्वेश्चन में, अगर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे ओड आ जाए उस कंडीशन में जीआई शो करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लोकेशन जीआई शो करेगी, तो इस कंडीशन में 2 की पावर 1 ये हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ से 101% कंसेप्ट समझ आएगा कि इन तीनों क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ क्या एल्काइन कभी जीआई शो करता है, एल्काइन कभी भी जीआई शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, लेक्चर नंबर 2 या 3 के अंदर, शायद 3 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था क्यों नहीं करता। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जीआई शो करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड भी जीआई शो करेगा। अब देखो कि ये अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है, तो आप देख सकते हो ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इधर CH आ रहा है इधर CH3 आ रहा है, फॉर्मूला तो वही लगेगा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कितने जीआई बनेंगे टोटल, टोटल जीआई 4 बनेंगे, यहाँ पे 2 बने थे और यहाँ पे भी 2 बने थे। अब डिफरेंस क्या है इन क्वेश्चन में ये समझ लो कि यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला है, यहाँ से कंसेप्ट ये निकला कि यहाँ पे लगातार 2 पाई बॉन्ड आ रहे थे, यहाँ पे लगातार 3 पाई बॉन्ड आ रहे थे, यानी कि यहाँ पे एक ही लोकेशन जीआई शो कर रही थी, एक ही पाई बॉन्ड जीआई शो कर रहा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, एल्काइन आ रहा था, ये जीआई शो नहीं कर रहा था। बस आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि एल्काइन कभी भी जीआई शो नहीं करता क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लीनियर होने की वजह से रोटेशन एबसेंट हो जाएगा। और मेरी जो सबसे फर्स्ट कंडीशन थी लेक्चर नंबर 2 में बता दी थी कि हमेशा रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए जीआई शो करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे जीआई शो नहीं करेगा। पार्ट क्वेश्चन होते कंप्लीट, अब हम यहाँ पे कुछ सिमेट्रिकल वाले एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के अंदर। ओके, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बताओ अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। लेफ्ट और राइट एंड देखो दोनों एंड यहाँ पे क्या है आइडेंटिकल है, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है कि सिमेट्रिकल हो। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि सिमेट्रिकल है क्या, बीच में से कट कीजिए, कट मैंने कर दिया। अब आप देखो लेफ्ट और राइट ग्रुप, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यहाँ पे भी 2 कार्बन, यानी कि ये तो श्योर हो गया कि ये सिमेट्रिकल है, यानी कि ये भी कंफर्म हो गया कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे यही वाला अप्लाई होने वाला है। अब पी क्या है यहाँ पे, कितनी लोकेशन जीआई शो कर रही है, 1 और 1, 2, यानी कि यहाँ पे 2 लोकेशन जीआई शो करेगी, यानी कि क्या हो जाएगा इवन नंबर है। तो यहाँ पे पी की जगह क्या लिख देंगे हम, n/2 -1, तो n की जगह पुट कीजिए 2/2 -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा, तो 0, 0/2 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 2 की पावर 0 कर दीजिए और इधर 2 की पावर 2 -1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 + 1, यानी कि 2 + 1
थ्री, यहाँ पे टोटल जीआई कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, तो ऊपर लिख दीजिए इसका टोटल जीआई कितने, थ्री। आप यहाँ पे देखिए रीजन लिख लिया करो, मैंने आपको इसके पहले भी बोला था कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊँ और आपको लगे कि इसका मुझे रीजन लिखना चाहिए, मैं आगे चल के भूल सकता हूँ, तो उसका रीजन आप बिल्कुल लेफ्ट में राइट में कहीं भी लिख लो, क्वेश्चन के साइड में लिख लो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो बताओ यहाँ पे ये आइडेंटिकल है या क्या है। सबसे पहले आपको वो सब देखना ही नहीं है, आपको देखने यहाँ पे पाई बॉन्ड। देखो यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके समझ आएगा। आपको यहाँ पे दो पाई बॉन्ड दिखे, यानी कि इवन नंबर आ रहा है टोटल पाई बॉन्ड। इस कंडीशन में यहाँ पे जीआई शो कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या आंसर क्या जीरो हो जाएगा, कितने जीआई होंगे इसके, जीरो। नहीं, आप ये करके मत आ जाना ऐसा, आपको ऑप्शन में दिखेगा जीरो लेकिन गलत है। आपको फॉर्मूला तो अप्लाई करना होगा ना, टू की पावर जीरो, यानी कि टू की पावर यहाँ पे जीरो करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कितने जीआई बनेंगे, इसका एक जीआई बनेगा। यार ये बन तो रहा है, एक तो स्ट्रक्चर बनेगा ना इसका, कम से कम एक तो जीआई बनेगा। इस कंडीशन में आप यहाँ पे ध्यान रखना जीरो, आपको आंसर वहाँ पे टिक नहीं करना। ये क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो सकता था, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया। अगर वहाँ पे आपका एक भी लोकेशन जीआई शो नहीं कर रही, तो उसका मिनिमम एक जीआई तो बनेगा ही बनेगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, जितने कंसेप्ट कवर होने थे कर दिए। इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं बच रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बच रहा। अब आपको खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, सेल्फ स्टडी करो, कोई भी बुक लगाओ। सबसे बेस्ट है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लगा लो, एलन, आकाश, रेजोनेंस, तीनों इंस्टीट्यूट एकदम बेटर है। तो अगर आप, हो सकता है भाई और जगह भी कहीं आप कोचिंग ले रहे हो, तो आप वहाँ के क्वेश्चन लगाइए, वहाँ की सीट लगाइए, आपको जरूर आपके क्वेश्चन बनेंगे, 101% आपसे क्वेश्चन बनेंगे। आज आपका यहाँ पे जीआई वाला टॉपिक होता है कंप्लीट।